हजारीबाग के सिलवार में रथ मेला के दौरान तेज बारिश व वज्रपात गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया है। दरअसल सिलवार में रथ मेला निकलने ही वाला था, उसी दौरान तेज बारिश हुई। बारिश के साथ साथ पहाड़ पर ही वज्रपात हुआ। वज्रपात के बाद मेले में भगदड़ मच गई, जिसके बाद मंदिर परिसर में उपस्थित समाजसेवी लोगों ने तत्परता दिखाते हुए अनन फनन में घायलों को इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया, जहाँ इलाज के दौरान 2 लोगों को मृत घोषित किया गया, वहीं अन्य लगभग दर्जनों लोगों का इलाज किया जा रहा है। इधर घटना की सूचना मिलते ही सदर अनुमंडल पदाधिकारी विद्याभूषण, सदर SDP महेश प्रजापति, सदर अंचल पदाधिकारी राजेश कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी बजरंग महतो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। जी वहां पे बज्जर जब गिरा था ऊपर से, तो हम लोग सामने में ही खड़े थे, लेकिन सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे, बट कोई जा नहीं रहा था। लेकिन हम लोग देखे कि वहाँ पे एक लाइट पे धुआं निकलने लगा, और जैसे ही धुआं निकला तो सब डरने लगा। उसके बाद हम लोग कोई जा नहीं रहा था, अचानक हम वहाँ पहुंचे तो लगभग सबको देखे कि इधर उधर मंजर देख रहा था, लेकिन एक पुलिस वाला आया, उसके बाद बोला भैया इसको उठाइए उसको उठाइए। हम उठाने गए तो देखे लगभग 12-15 लोग वहाँ पे चित्र मतलब वो घायल हो चुके थे। घायल होने के दौरान लगभग हम लोग 12-13 लोगों को वहाँ मंदिर परिसर के अंदर में जो आपका छाया बना हुआ है, शेड बना हुआ है, वहाँ पे ले जा करके उन लोग को ट्रीटमेंट दिए। ट्रीटमेंट मतलब कि वहाँ पे ला करके उन लोग को रख दिए। उसके बाद और पीछे भी थे कुछ लोग, तो सब चिल्लाने लगे भैया इधर आइए इधर आइए। फिर वहाँ से भी एक एक करके उसको उठा करके लाए। फिर एम्बुलेंस वाले को फोन किया गया, एम्बुलेंस आया, फिर इन लोग को लेकर गया। और उसमें से लगभग एक ऐसा बच्चा था जो कि छोटा सा था और वो पूरा एकदम तड़प रहा था, तो उसको मुंह में डायरेक्ट हमने ऑक्सीजन देने का कोशिश किया, ऑक्सीजन दिया, फिर भी बेचारा अभी पता चल रहा है कि वो डेथ कर गया। खैर जो होता है सब ऊपर वाला। कितने लोग थे कुल टोटल? वही लोग 15 से 20 के बीच में होंगे, लेकिन 15 लोग को हम लोग डायरेक्ट उठा करके रखे वो परिसर के अंदर में। क्या परिचय? प्रशांत कुमार, हजारीबाग। वहाँ पे अचानक वज्रपात हुआ तो गाछ पे ही गिरा डायरेक्ट, और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि फोटो वगैरह शूट कर रहे थे। तो वहाँ पे गिरने के बाद एक महिला हम लोगों को दिखी, तो हमने जाने का प्रयास किया, तो फिर लगातार दूसरा भी गिरा, तो हम लोग थोड़ा डर गए। और डरने के बाद फिर हम लोग बहुत हिम्मत जुटाए, बहुत सारे लोग अंदर से ही चिल्ला रहे थे, तो झारखंड पुलिस के कुछ पुलिस लोग हम लोगों के सहयोग में आए, और हम लोग कम से कम हमको लगता है कि 12 से 15 लोगों को हम लोगों ने वहाँ से निकाल करके और मंदिर के बने शेड में हम लोग ले जा करके उन लोगों को मतलब समझिए कि पैर हाथ थोड़ा वो हो रहा था, तो उन लोग को थोड़ा सा हम लोग ट्रीटमेंट जो औपचारिक ट्रीटमेंट होता है वो हमने करना शुरू किए, और वो उसके बाद हम लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल भी किया, और एम्बुलेंस भी टाइम पे आया और सारे घायलों को सदर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। क्या परिचय हुआ? रविशंकर पांडे, हजारीबाग।